वेलकम टू एजुकेट ऑल इंडियंस। एजुकेट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आप लोगों के लिए जो एसएससी सीएचएसएल की हमने प्रीवियस ईयर पेपर कराने के लिए हमने आपको बताया था कि रोज एक प्रीवियस ईयर सेट लेके आएंगे, तो आज हम प्रीवियस ईयर का सेट नंबर सेकेंड लेके आए हैं। 1 फरवरी 2017 का ये सेट नंबर सेकेंड है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का हमने आपको कल कराया था, आज हम आपको जो दोपहर का है, ठीक है, वो कराने के लिए आज हम लेके आए हैं। तो आज हम वो कराते हैं सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट हम करा चुके हैं, सेकंड शिफ्ट लेके आए हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको रोज जो इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही हम अपलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब इंग्लिश के अपना क्वेश्चन पे। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, यहाँ से स्टार्टिंग है। देखिए क्वेश्चन आईडी नंबर 101, ये रीजनिंग का पोर्शन है, लेकिन हम रीजनिंग का पोर्शन नहीं सिर्फ इंग्लिश के सेट को हम कराएंगे। तो चलिए ये आ गए हम लोग इंग्लिश के सेट नंबर 176, आईडी नंबर 176 है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है ये 176 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी नंबर है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 76 से इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं, लिखा है टू रूमेज अबाउट इन प्लेस और कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग, ठीक है। ये फ्रेज दिया गया है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, टू रिस्क, टू एक्सकेवेट, टू फेरेट, टू पोक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू रूमेज अबाउट इन प्लेस और कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग, ठीक है। तो मतलब रूमेज का मतलब यहाँ पे होता है कोई चीज़ का मतलब चप्पा चप्पा छान मारा, हर जगह को ढूंढना। तो किसी चीज़ को ढूंढने के लिए हर जगह ढूंढ लेना, तो इसका मतलब होता है, ये फ्रेज है, तो इसका मतलब होता है टू फिरेट। फिरेट मतलब होता है हर जगह को ढूंढ लेना, ठीक है, हर एक चीज़ खोज करना पूरी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आगे बात करें तो 177 क्वेश्चन पर आते हैं, टू बाई अ लेमन का idiom क्या होगा, यहाँ पे idiom और phrases बताना है। टू बाई अ लेमन मतलब टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव प्रॉब्लम्स, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बाई ओनली हाफ द रेसिपी विल नॉट हेल्प यू प्रिपेयर द फुल डिश, ये नहीं होगा। टू परचेज इन सिग्निफिकेंट थिंग्स विच इवेंटली बिकम वेरी यूजफुल, या टू बाई स्टफ विच यू डोंट नीड्स। तो idiom और phrases तो आपको याद ही होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, इसका कोई तरीका नहीं है कि इसमें ये ट्रिक लगेगी ये पता होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं। टू बाई अ लेमन मतलब होता है टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव प्रॉब्लम, कुछ ऐसे व्हीकल खरीदना जैसे जो लगातार आपको प्रॉब्लम दे रहा हो, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 178 क्वेश्चन देखते हैं। 178 में क्या है, 178 क्वेश्चन का लिखा हुआ है मीर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कह सकते हैं केवल हो सकता है, मात्र या कह सकते हैं मात्र या केवल, मतलब कोई एक चीज, केवल एक चीज के लिए कह सकते हैं, सिंगल के लिए होता है। तो इसमें से एंटोनिम्स लिखना है, तो सिंगल मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होगी, तो बहुत ज़्यादा का मतलब एडॉर्न तो हो नहीं सकता, एडॉर्न मतलब होता है कोई चीज़ जैसे हम कहते हैं सजाना, तो ना सजाना होता है एडॉर्न का मतलब बिना सजी हुई कोई चीज़ होती, तो इमेंस हो सकता है, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब मेर मतलब होता है सिंगल, तो इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़, ठीक है, विशाल। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। 179 पर आते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन इन एनी सिटी इन USA, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, यहाँ तक तो सही है, एरर बतानी है कौन सा सही होगा, इज ग्रेटर देन इन एनी सिटी इन USA नहीं होगा, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ करके होगा, दैट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से ये एनी सिटी ये गड़बड़ है, एनी सिटी नहीं होगा यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है। आगे आते हैं, द बैंक डैश हिज हाउस एज ही हैड फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो द बैंक यू डैश हिज हाउस एज ही हैड फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट,
तो क्या किया, ये जैसे उसने इंस्टॉलमेंट देने में क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट वो अपनी पे नहीं कर पाया, जो बैंक ने उसे वार्निंग दिया, लेकिन तब भी उसने क्या किया, इंस्टॉलमेंट अपनी पे नहीं किया। रिपीटेड वार्निंग बैंक दे रही थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, रिपीटेड वार्निंग बैंक की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन वो अपना जो इंस्टॉलमेंट था वो पे नहीं कर पा रहा था। तो बैंक ने क्या किया, मॉब्ड कर लिया, हाईजेक कर लिया या कैप्चर कर लिया, तो घर को कॉन्फिस्केटेड किया। हाईजेक नहीं किया जाता है, कैप्चर नहीं किया जाता, कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर लेना, वो घर को जब्त कर लिया गया था, ठीक है, ये मतलब था यहाँ पे। आगे आते हैं 181 में, इसको अरेंज करना था, PQRS होता है इसमें। इस तरह से आया है कि एक सेंटेंस पहले से दिया है और तीन सेंटेंस को अरेंज करना है। तो देखिएगा यहाँ पे एट वन लेवल, ठीक है, तो एट वन लेवल, फिर इसमें कहाँ से मैच करेगा, एट वन लेवल द लॉ इज अंडरस्टैंडिंग, नहीं है मैच ही नहीं, एट वन लेवल द लॉ नहीं, एट वन लेवल वन सेंस द लिमिट ऑफ, ठीक है, एट वन लेवल वन सेंस द लिमिट ऑफ द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग सच केस ऑफ वायलेंस, ठीक है, ये मैच करेगा। एट वन लेवल वन सेंस द लिमिट ऑफ, किस चीज की लिमिट सेंस करेगा, द लिमिट ऑफ द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग सच केस ऑफ वायलेंस, ये आगे आंसर। 82 पर आते, 182 पर, फुल फॉर अ फुल वीक, फॉर अ फुल वीक सी इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ बिग सिस्टर। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें एरर बतानी कहाँ पर है, तो फॉर अ फुल वीक यहाँ तक तो सही है, सी इंजॉयड द बेनिफिट्स, हाँ ठीक है, सी इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बींग अ बिग सिस्टर, ऑफ बींग अ बिग सिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, एल्डर सिस्टर भी होता है, तो बिग सिस्टर भी सही है, तो यहाँ पे एरर नहीं है कुछ, कोई भी एरर नहीं, बिग सिस्टर भी सही रहता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर होगा, कोई एरर नहीं है, बिग सिस्टर भी बोला जा सकता है, बिग सिस्टर कहें चाहे एल्डर सिस्टर कहें, दोनों चलता है, तो इसलिए वो एरर नहीं है वहाँ पे, बिग की जगह पे हो सकती थी लेकिन वो नहीं है, बिग भी सही रहता है। आगे आते हैं 183, सेलेक्ट द सिनोनिम्स लिखने इसके, ठीक है, टू ऑर्डेन, टू ऑर्डेन का यहाँ पे आपको ये लिखना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो टू ऑर्डेन का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना होता है, ठीक है, टू अनॉइंट, ठीक है, टू अनॉइंट होता है आज्ञा देना। आगे आते हैं, अगला है 184, सिनोनिम्स लिखने हैं, टू स्ट्रैंडेड, टू स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का जो मीनिंग होता है, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कहीं पे फंस जाना होता है, ठीक है, कहीं पे फंस फंस जाना होता है, तो इसका जो मीनिंग होगा ए ग्राउंड, ठीक है, फंसना होता है, स्ट्रैंडेड का मतलब, तो ए ग्राउंड होगा, सिनोनिम्स ही लिखना है, ए ग्राउंड होता है सिनोनिम। आगे आते हैं 185 पर, ऑल द एलिगेशन लेवल्ड डैश द पुअर वॉचमैन वर फाउंड टू बी बेसलेस। तो ऑल द एलिगेशन लेवल्ड, तो सारे जो एलिगेशंस लगाए गए थे उस पर, तो वो लेवल्ड अगेंस्ट द पुअर वॉचमैन, ओवर द पुअर वॉचमैन नहीं होता है, अगेंस्ट उसके विरुद्ध जो लगाए गए थे एलिगेशंस, वर फाउंड टू बी बेसलेस, वो सारे बेसलेस थे, तो अगेंस्ट यहाँ पे आंसर होगा सी, ठीक है। आगे आते हैं 186, अरेंज करना है इसको, इट इज द राइट टू, कौन सा ऑप्शन होगा, इट इज राइट टू, हु तो नहीं हो सकता, हु से स्टार्ट नहीं होगा, इट इज राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, फिर फ्रॉम के बाद इट इज राइट टू, आर वेरी करेगा, इट इज राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हु तो नहीं आएगा, और हु के पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम देखेंगे फ्रॉम द इनडिस्क्रिएशन ऑफ डॉक्टर्स, ये सब्जेक्ट आया यहाँ पे, हु फिर आर फिर क्यू फिर पी, ठीक है, डॉक्टर्स हु सी अस एट आवर मोस्ट वल्नरेबल, तो इसका आंसर होगा आर क्यू पी, तो देखो आर क्यू पी कहाँ पर है, फोर्थ, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, आर क्यू पी, ठीक है। आगे आते हैं 187 क्वेश्चन पर, सेलेक्ट द एंटोनिम्स लिखने हैं, टू कंप्राइज, टू कंप्राइज
का मीनिंग लिखना है, वैसे कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ को मिला लेना, ठीक है, एक में, तो वैसे समावेश कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बॉडी, स्पैन, इनकम्पास, एंटोनिम्स लिखना है तो इनकम्पास तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे होगा टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है कोई चीज़ मिला लेना, और डिस्प्यूट मतलब अलग कर देना, लड़ाई हो जाती तो अलग हो जाता ना, तो यहाँ पे डिस्प्यूट होगा इसका मीनिंग, ठीक है। डिस्प्यूट कर देना मतलब अलग हो जाना, उससे मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्यूरेट मीनिंग नहीं है लेकिन हाँ मिलती जुलती है उससे डिस्प्यूट। आगे आते हैं, लिखा है इसमें आपको ईडियम फ्रेसेस है, इसका बताना है टू कास्ट आयरन स्टमक। इसका ईडियम होगा ए वेरी ग्रेट ग्रीडी पर्सन, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, लालची हो, नहीं आयरन कास्ट नहीं होगा इसका। टू बी एबल टू ईट और ड्रिंक एनी थिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो कुछ भी खा जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो होता है टू कास्ट आयरन स्टमक, ठीक है। तो ये होगा इसका बी ऑप्शन, ए सेकेंड वाला। आगे आते हैं 189, इसमें आपको बताना है पैसिव वाइज लिखना है, द इवेंट मैनेजर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशन। तो पैसिव वाइज लिखना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो ऑल द रिजर्वेशन, चलो यहाँ से ऑल द रिजर्वेशन इसमें चारों में है, अभी तक नहीं पता चला, इज लिखा है ना प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तब इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बींग लगाते हैं, तो ठीक है। तो ऑल द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन प्लूरल है इसलिए आर होगा, बींग आर बींग यानी कि बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, आर बींग मेड बाय द इवेंट मैनेजर, ठीक है। तो सारे रूल्स पता होंगे, तो ये हो गया आर मेड इवेंट, तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वुड तो हो नहीं सकता, विल, ये तो वैसे ही गलत होगा। अब 190 पर आते हैं, इम्प्रूव करना है, आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड, मैं केवल इकलौता आदमी हूँ हु डैश पेंट अ पिक्चर सो ट्रू टू लाइफ, ही सेड, उसने कहा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है, चेंज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कैन की जगह पे आपको बताना विल होगा, कुड होगा, मे होगा या इम्प्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पे देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सेड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, देखो यहाँ पे कुड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये चीज़ पास्ट की नहीं है, क्यों नहीं पास्ट की, देखो एम लिखा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो कुड तो लिख नहीं सकते, कुड लिखेंगे वैसे ही पास्ट पास्ट की बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो कैन है ये नो इम्प्रूवमेंट होगा, विल हो नहीं सकता, प्रेजेंट की बात ही है, तो कैन ही बिल्कुल सही आंसर है, हु कैन पेंट, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। 190 आगे आते हैं, ठीक है, 191 पर आते हैं, 191 दिया है टू सेल, और कौन सी चीज़ सेल करनी है, ब्रैकेट में लिखा स्टॉक ऑफ द अदर सिक्योरिटीज और कमोडिटीज सेल करनी है, इन एडवांस ऑफ एक्वायरिंग देम विद द एम ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट व्हेन द प्राइस फॉल्स। तो इसका मतलब होता है शॉर्टिंग करना, ठीक है, शॉर्टिंग होता है, ठीक है, शॉर्टिंग, कॉर्निंग नहीं हो सकता, कॉर्निंग का मतलब तो ठग होते हैं, तो यहाँ पे आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं ना, तो सेल से रिलेटेड होता है, शॉर्टिंग बोलते हैं इसे हम, ईडियम फ्रेजेस है, फ्रेज हैं, तो आपको पता होना चाहिए, शॉर्टिंग होता है कोई चीज़ बेचना, टू सेल इन एडवांस ऑफ एक्वायरिंग देम विद द एम ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट व्हेन द प्राइस फॉल, ठीक है, तो शॉर्टिंग बोलते हैं उसे। आगे आते हैं, डू यू हैव एनीथिंग, 192 पर, डू यू हैव, इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड, सेड द जज फाइनली। तो देखो यहाँ पे चेंज करना है, द जज फाइनली सेड, यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन है डू है ना, तो सेड की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा, द जज फाइनली आस्क्ड, यहाँ तक तो हो गया, इतना हो गया, द जज फाइनली आस्क्ड, द ये बी वाला नहीं होगा, आस्क लिखा है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये पहला तीसरा और चौथा सही रहेंगे अभी तक। आगे आते हैं, आस्क के बाद अगर कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको इफ या वेदर से जोड़ते हैं, ठीक है, तो आस्क्ड दैट इफ, दैट इफ लिखा है, दोनों एक साथ हैं, दैट वेदर लिखा है, दैट इफ लिखा है, दैट इफ लिखा है, तो यहाँ पे दो सेंटेंस कभी दो एक साथ नहीं आ सकते, दैट इफ दैट इज सब लगे यहाँ पे, ये शायद ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे आप लोग देख करके बताइएगा हमें, ठीक है।
अगर यहाँ पे दैट इफ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दैट इफ नहीं होता, यहाँ पे दैट वेदर लिखा है, तो दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते, आस्क्ड वेदर होगा या फिर इफ होता है, ठीक है? तो इसमें डाउट है, तो इसका कोई लॉजिक बताइएगा कौन सा आंसर सही है, अगर किसी को सही लगता है कोई भी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये मेरे हिसाब से चारों इसमें रॉन्ग है, ठीक है, दैट नहीं हो सकते, दो चीज़ें एक साथ नहीं आती कभी भी, रॉन्ग है ये, ठीक है? तो अगर किसी को कुछ सही लगता है उसके हिसाब से कि ये सही होगा, तो अपना लॉजिक बता के हमें कमेंट में बताएगा कि सर ये इस हिसाब से ये सही होगा। चलिए आते हैं 193 पर, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करके बतानी है। तो एम्फीबिया, एम्फीबिया की स्पेलिंग होती है AMPHI होता है, वाई नहीं होता है, रॉन्ग हो गई। इंडेंटेड होता है, इंडेंटेड का मतलब DEN होता है, तो ये रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे एक्यूम्बर ये भी नहीं होगा, एनक्यूम्बर नहीं होता है, ये रॉन्ग है। लेबल्ड, लेबल्ड सही है, ठीक है, लेबल्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। 194 पर आते हैं, ए लार्ज क्राउड डैश टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट स्टार। ए लार्ज क्राउड क्या हुई, लार्ज बहुत बड़े संख्या में, क्राउड क्या हुई, रेल्ड हुई, क्लस्टर्ड हुई, कंपाइल्ड हुई, क्लस्टर नहीं हो सकती, कंपाइल्ड तो कोई रिटन स्टेटमेंट कंपाइल किए जाते हैं, जैसे पोएम हो गई, कोई स्टोरी हो गई, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। जो क्राउड होती है वो गैदर्ड होती है, इकट्ठा होती, गैदर्ड होगा इसका आंसर, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग आपको इसमें बतानी है, 195 में कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ये पहला है टिडलर्स, टिडलर्स नहीं होगा, रॉन्ग है स्पेलिंग, टिडलर्स नहीं होता है, डबल LER होता है। थ्रिसल्स डबल ई नहीं होगा, एक ई होता है, ठीक है। टेंडर्ड यहाँ पे डबल R नहीं होगा, एक R होता है। और पल्चिट्यूड, पल्चिट्यूड होगा यहाँ पे, और पल्चिट्यूड का मतलब हम आपको बता दें, इसका मतलब जो होता है वो होता है मतलब बहुत सुंदर जो होता है देखने में, ठीक है, खूबसूरत कह सकते हैं, ठीक है, पल्चिट्यूड का मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल जैसे कहते हैं ना, हाँ, तो इतनी इजी मीनिंग नहीं आती, जो पल्चिट्यूड होता है, ठीक है, ये आया, तो इसकी स्पेलिंग ये बिल्कुल सही है, यही है अभी। अब यहाँ पे आते हैं, क्लोज टेस्ट है एक, ये दिया गया है 195 से 200 तक क्वेश्चन आईडी है, ठीक है, वैसे 96 से आगे आते हैं। इन अ स्ट्रेंज डैश द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द इवेंट बिकम कॉज फॉर कंसर्न। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, इन ए स्ट्रेंज वे फ्रॉम वे फॉर्म स्टेप या मेथड, इन ए स्ट्रेंज वे होगा, ठीक है, स्ट्रेंज वे बहुत अजनबी तरीके से, द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द इवेंट बिकन कॉज फॉर कंसर्न। आगे आते हैं इसी के आगे 197 पर, कंसर्न तक हो गया, फिर डैश वॉन्डर वेदर न्यूअर फॉर्म ऑफ नॉन केयरिंग और वायलेंस आर अपियरिंग, ठीक है। तो डैश वॉन्डर्ड, एनी वन वॉन्डर्ड नहीं, वेदर न्यूअर, वन वॉन्डर्ड या सम वन वॉन्डर्ड या फिर समबडी वॉन्डर्ड, न्यूअर फॉर्म ऑफ नॉन केयरिंग और वायलेंस आर अपेयरिंग, वन वॉन्डर्ड होगा, क्या होगा, वन वॉन्डर्ड्स वेदर न्यूअर फॉर्म ऑफ नॉन केयरिंग और वायलेंस आर अपेयरिंग, तो वन इसका आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर वन। आगे आते हैं, साइलेंस इवन, साइलेंस थर्ड वाले 198 पर, 198, तो 198 पर आते हैं, ऊपर थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, देन दीजिएगा। 198 में क्या होगा, सम हाउ साइलेंस इवन डैश क्वाइटली, ठीक है, साइलेंस इवन, तो साइलेंस इवन क्या होगा, अटेंशन होगा, बायस होगा, रिगार्ड होगा या फिर इनडिफरेंस होगा, तो साइलेंस इवन इनडिफरेंस क्वाइटली सप्रेसेस अ मेडिटेशन ऑन सच इवेंट, ठीक है, इनडिफरेंस होगा, ठीक है, इनडिफरेंस क्वाइटली सप्रेसेस अ मेडिटेशन ऑन सच इवेंट। आगे आते हैं इसके बाद 199 पर, इवेंट के बाद डैश अ प्रोफेसर, तो लाइक अ प्रोफेसर या अलाइक अ प्रोफेसर या एज ए प्रोफेसर,
या बींग अ प्रोफेसर. तो एज ए प्रोफेसर आई कैन रिकलेक्ट द नंबर ऑफ ओकेजन्स व्हेन माय स्टूडेंट्स हैव क्राइड. ठीक है, एज वी डिस्कस्ड सच इवेंट इन क्लास डैश सोसाइटी सीम्स सो डिफरेंट. ये है तो 200 पर आते हैं. 200 में लिखा है डैश सोसाइटी सीम्स सो डिफरेंस. तो कौन सी सोसाइटी? डैश सोसाइटी सीम्स सो, येट दस हैंस या सो, सो सोसाइटी सीम्स सो, येट सोसाइटी सीम्स सो डिफरेंट. ठीक है, येट होगा यहाँ पे आंसर. येट, येट द सोसाइटी सीम्स सो डिफरेंट. ठीक है, तो दोस्तों ये था इंग्लिश का पोर्शन. हमने आपको इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कराया. तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें. कल हम आपके लिए फिर से एक नया सेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे. आप बहुत सारे हम आपको कराएंगे, लगभग 50 से 60 प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे. तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 50 से 60 प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करके जब जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी वहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है एसएससी में रिपीट होते हैं, तो ज़रूर रिपीट होंगे आगे आने वाले पेपर्स में. तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. धन्यवाद दोस्तों.